सियासत और क्रिकेट दोनों एक ऐसा जो है कहा जाए कि खेल आही जौने माँ कब कितनी देर परिस्थिति बदली जाए ये कुछ कहा नहीं जा सके। जी हाँ, ये खबर जो है सियासी आए और ये सियासत से बड़ी खबर माँ मध्य प्रदेश माँ जैसा कि अपना पंचे जनता है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, लेकिन उनका कार्यकाल अब खत्म हो रहा है। नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम के ऐलान जनवरी के अंत तक हो के संपूर्ण संभावना है, लेकिन यह अब नया प्रदेश अध्यक्ष को बनी एकल लहके अफवाहन के बाजार गर्म है और अफवाह माँ सब अब कयास लगाए रहे हैं। कयास पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का लेके चल रही है और एक अफवाह यह है या सच के करीब है, सीधी से विधायक रीति पाठक के नाम चल रहा है। हालांकि रीति पाठक का लेके कई अकबे कयास लगाए चल जा रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के पद हो या फिर तमाम मंत्रिमंडल में शामिल करे के बात हो, लेकिन उस सब कयास जो है पूरी तरह से फेल नजर आए और अंततः अब नया कयास के दौर जारी है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रीति पाठक के कहा जा रहा है कि नाम सबसे आगे चल रहा है। तो पूरी खबर लेके आए हैं जो अपना का सच के करीब ले जाए तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी सियासत से जुड़ी बेहद बड़ी खबर के, जहां पर बताया दी मध्य प्रदेश में बीजेपी का जल्द नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। अपना पंचक बताया दी कि मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे बीडी शर्मा के कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसा मास संगठन के द्वारा सारी कवायद जो है शुरू कर दी गई जेके तहत नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हो गए, लेकिन उको हो ही केकर नाम सबसे आगे चल रहा है जेके बारे में अपना पंचक बताया दी कि सांसद से विधायक बनी रीति पाठक के नाम आगे चल रहा है। एक बारे में हम अपना का पूरा विस्तार से बताई थे। बीडी शर्मा के द्वारा साल 2020 में मध्य प्रदेश बीजेपी के कमान संभाली गए, जिसके बाद बीडी शर्मा के रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा। उपचुनाव से लेके 2024 के लोकसभा चुनाव और अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी के द्वारा जीत दर्ज कराई गई। वहीं अपना बचक बताया दी कि बीडी शर्मा के कार्यकाल खत्म हो रहा है, ऐसा में मध्य प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष मिलने वाला है, जेके खातिर संगठन की ओर से कवायद शुरू कर दी गई। जेका लेके सबे अपना पंचे दर्शकन को बताया दी कि बीजेपी के अलग अलग फार्मूला तैयार किए गए हैं, जोने मा महिला और जातिगत समीकरण पर जो है विचार किया जा रहा है। अपना पंचे को बताया दी मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के रेस मान नरोत्तम मिश्रा से लेके रामेश्वर शर्मा के नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि जोने तरह से बीजेपी लगातार चौंकावे वाले जो नाम सामने ले आ रही है वह में मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के मामला में बीजेपी नाम ले आई के चौंका सका थी। राजनीतिक विश्लेषण के जो है मान्यता बीजेपी चौंकावे वाले फैसला ले सका थी। यह संभावना है कि मध्य प्रदेश में पार्टी के कमान कोनो महिला चेहरा या आरएसएस की पृष्ठभूमि से आवे वाले चेहरा का सौंपी जा सका थी। महिला चेहरा की बात करी था बुरहानपुर से विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्चना चिटनी, सागर से सांसद लता बानखेड़े के साथ सीधी विधायक और पूर्व सांसद रीति पाठक के नाम शामिल है, लगातार चर्चा में आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के चयन खातिर अपना बच्चे को बताया दी प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण चेहरा हो सका थे या एक बड़ा कयास लगा बजाय रहा है। वहीं बीजेपी आदिवासी चेहरों पर दांव लगा सका थी अगर ब्राह्मण चेहरन की बात करी था। मध्य प्रदेश में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नाम सबसे आगे चल रहा है। अपना बच्चे को बताया दी कि उनके अलावा रामेश्वर शर्मा के नाम आगे है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर आदिवासी चेहरन की बात करी था फग्गन सिंह कुलस्ते और सुमेर सिंह सोलंकी के दावा जो है मजबूत माना जा रहा है। एक के अलावा अपना बचक बताया दी प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति से बनावा जाए इसका थे। ऐसा मान लाल सिंह आर्य के नाम लगातार आगे चल रहा है। लाल सिंह के बाद जो है गोहद से विधानसभा चुनाव ये एक बे हार चुके हैं ये बे, लेकिन लगातार दो चुनाव पहले हारे के बाद संगठन में सक्रिय है। एक के साथ अपना बचक बताया दी देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के नाम शामिल है। तो फिलहाल बीजेपी ब्राह्मण चेहरा का लेके ओबीसी आदिवासी और अनुसूचित जाति के चेहरा के अलावा महिला चेहरा मार दाव लगा सका थी। अब देखा दिलचस्प हुई कि आखिर मध्य प्रदेश भाजपा की कमान को संभाला थे कारिती पाठक हो ही नरोत्तम मिश्रा हुई या तो आबे वाला समय बताई, लेकिन अपना का लागत है इनामन माँ ई नामन के अलावा मध्य प्रदेश की भाजपा के कमान को संभाल सका थे। तो ये रही पूरी खबर जिनके बारे में कयास लगाए जा रहे। रीति पाठक या दौड़ में जरूर शामिल है लेकिन सबसे आगे नाम चल रहा है यह दावा पूरी तरह से गलत है।
कहे कि तमाम अबे भाजपा उठापटक करी संगठन के अंदर अबे ताजशुमारी हुई ओके बावजूद जो है कहे कि प्रदेश अध्यक्ष एक बड़ी जिम्मेदारी वाला पद है। अब वह पद का लेके बड़ी खींचातानी है। अब देखो दिलचस्प हुई कहे कि महिला का आरक्षण का लेके महिला के टिकटन के बंटवारा का लेके भाजपा तमाम जो है दावा जरूर करा थी लेकिन जमीन पर अब यह देखा दिलचस्प हुई कि प्रदेश अध्यक्ष जैसी एक बड़ी जिम्मेदारी यदि महिला कोटा में जाती तो यह निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा मास्टर कार्ड माना जा सकता था। कहे कि आगे आवे वाले सियासी चुनाव में एकर एक बड़ा असर देखे का मिल सकता है। हालांकि बीडी शर्मा के नेतृत्व में जो में भाजपा के द्वारा प्रदर्शन किएगा वह कहो न कहो एक बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। तमाम जो चुनाव है वो चुनाव में आशा से अधिक मतलब आशा के अनुरूप जो है बीडी शर्मा के प्रदर्शन रहा। अब देखब दिलचस्प हुई कि भारतीय जनता पार्टी कऊ में जो है कहते ना ठोक ठोक के जो है जांच हो रही है और पड़ताल हो रही है उसके बाद ये नामन के ऐलान हो सकते थे। तो देखब दिलचस्प हुई कि आखिरकार केकर किस्मत फरफरा थी ओके छूट या थे यो चक्कर था अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल धन्यवाद प्रणाम। काप ना संतान के सुख से वंचित है बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा संपर्क कर सके थे 8821004016 पर या 07662352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम आईवीएफ क्लिनिक आईवीएफ मौच तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग